गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं दीपक कुमार गुरुकुल पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। और आज दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे लिंग। क्या पढ़ेंगे? लिंग पढ़ेंगे। एक चीज दोस्तों याद रखिएगा, लिंग से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। लिंग एक हिंदी में पूछा जाता है, एक लिंग संस्कृत में भी होता है। ठीक है, संस्कृत भाषा में तीन हो लिंग होते हैं। एक होता है पुलिंग और एक होता है मेरे दोस्तों स्त्रीलिंग, और एक होता है नपुंसक लिंग। लेकिन जब हिंदी में आएंगे बाबू, तो हिंदी में सिर्फ दो ही लिंग होते हैं। एक होता है पुलिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। चलिए इन दोनों पे हम बात करेंगे, क्योंकि हम लोग सामान्य हिंदी पढ़ रहे हैं। तो सामान्य हिंदी में जो लिंग होंगे उसी के बारे में पढ़ना है। जब हम संस्कृत पढ़ेंगे तब हम संस्कृत के विषय में पढ़ेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम पुलिंग के बारे में जानेंगे, फिर स्त्रीलिंग के विषय में जानेंगे। तो पुलिंग के विषय में हम समझते हैं, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की जाति नर है या मादा है उसका बोध हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? लिंग कहते हैं। जिससे संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति के या वस्तु के नर है कि मादा है यह ज्ञान पता चल जाए तो उसे हम लिंग कहते हैं। दुनिया में जितने भी जानवर हैं, मनुष्य हैं, जो भी हैं, वो एक न एक नर होगा और एक मादा होगा, यानी एक स्त्रीलिंग होगा और एक उसका पुल्लिंग होगा। ठीक है, तो जिस संज्ञा शब्दों से हमें यह ज्ञान प्राप्त हो जाए कि यह वस्तु या मनुष्य क्या है, नर है अथवा मादा है, तो उसे लिंग कहेंगे। हिंदी में दो लिंग होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, तो चलिए पुल्लिंग के बारे में समझते हैं। पुरुष जाति का बोध करने वाले, पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पुलिंग कहते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं, पुलिंग यहां पे देखिए मैं लिखते रहा हूं, आप ध्यान से देखते जाइए। लड़का, ठीक है, घोड़ा। फिर मैं आपसे कह दूं शेर। फिर मैं आपसे कह दूं लेखक। फिर मैं आपसे कह दूं बच्चा। ठीक है दोस्तों, इत्यादि। ठीक, तो देखिए लड़का मतलब पुल्लिंग का बोध करा है पुरुष जात का, घोड़ा पुरुष जात का बोध करा रहा है, शेर पुरुष जात का बोध करा रहा है, लेखक पुरुष जात का बोध करा रहा है, बच्चा पुरुष जात का बोध करा रहा है। लेकिन यही जब हम कह दें स्त्रीलिंग, तो यहां पे देखो मेरे बच्चों, स्त्रीलिंग की जिन संज्ञा शब्दों से यह पता लगे कि यह वस्तु या व्यक्ति क्या है, मादा है यानी कि स्त्री है, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़का है तो इसका क्या हो जाएगा? लड़की हो जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे सर ये तो हम सब पढ़े हुए हैं। बिल्कुल पढ़े हुए हैं, लेकिन आगे जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं या आगे जो पढ़ेंगे वो बहुत परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। देखिए घोड़ा का क्या हो जाएगा? घोड़ी हो जाएगा। शेर का क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? शेरनी हो जाएगा। लेखक का क्या हो जाएगा? लेखिका हो जाएगा। और बच्चा का क्या हो जाएगा? बच्ची हो जाएगा। तो ये चीज आप स्पष्ट हो गया ना कि ये क्या है, नर जाति का बोध करा रहा है और ये किसका बोध करा रहा है? मादा जात का करा रहा है। जब नर जात का बोध कराए
तो पुलिंग होगा, और मादा जात का बोध कराए तो स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। अब यहां से आपके परीक्षा में फंसने वाले चीज आते हैं। एक चीज समझिए, नंबर एक कहता है कि नित्य पुलिंग होते हैं, नित्य पुलिंग शब्द, नित्य मतलब हमेशा वह पुलिंग शब्द ही होंगे, यानी उसका स्त्रीलिंग होता ही नहीं है। जैसे मैं आपसे कह दूं तोता, तो मेरे बच्चों तोता का कहीं तोती सुने हैं? नहीं सुने हैं ना। तो तोता शब्द आपका क्या होगा? नित्य पुलिंग होगा, मतलब हमेशा जो है पुलिंग में ही गिनती होगा, चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे वो पुलिंग हो। जैसे चीता, अब चीता का चीती नहीं सुने होंगे, सारस, चलिए सारसी भी नहीं सुने होंगे, कछुआ, कछुई नहीं सुने हैं, चलिए मगरमच्छ, मगरमच्छ, तो मगरमच्छा भी नहीं सुने होंगे, मगरमच्छी भी नहीं सुने होंगे, खरगोश, खरगोश का खरगोशी नहीं कभी सुने हैं, बिल्कुल नहीं सुने होंगे। एक शब्द है भालू, तो भालू का भी नहीं सुने होंगे। एक शब्द है उल्लू, उल्लू का भी नहीं सुने होंगे। एक शब्द है भेड़िया, इसका भी नहीं सुने होंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे सर इसका तोता का भी तो स्त्रीलिंग होगा, बिल्कुल होगा। चीता का होगा, बिल्कुल होगा। सारस का होगा स्त्रीलिंग, बिल्कुल होगा। तो जब यह सारे शब्द पुलिंग में आते हैं तो इनका स्त्रीलिंग कैसे लिखा जाता है? तो याद रखिएगा, इनका स्त्रीलिंग लिखने के लिए हम इनके पहले क्या लगा देते हैं? मादा तोता। क्या लगा देते हैं मेरे बच्चों? मादा तोता, मादा चीता। क्या लगा देते हैं? मादा चीता, मादा खरगोश। अब एक चीज याद रखिए, यहीं से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि निम्न चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है नित्य पुलिंग शब्द होता है। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको आप दिमाग में बैठा लीजिए कि तोता, चीता, सारस, कछुआ, मगरमच्छ, खरगोश, भालू, उल्लू, भेड़िया हमेशा क्या होते हैं? नित्य पुलिंग में आते हैं, हमेशा किस में आएंगे? पुलिंग में आएंगे। अब एक शब्द आता है मेरे बच्चों, इसको पलट देते हैं, यहां पे आते हैं, एक शब्द आता है नित्य स्त्रीलिंग, नित्य स्त्रीलिंग। अब देखिए नित्य स्त्रीलिंग में क्या आ जाएगा? ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा क्या आते हैं मेरे बच्चों? हमेशा नित्य स्त्रीलिंग में आएंगे। जैसे मैं आपसे कह दूं कि मछली, ठीक है, मैं आपसे कह दूं तितली, मैं आपसे कह दूं छिपकली, छिपकली, मैं आपसे कह दूं गिलहरी, मैं आपसे कह दूं मक्खी, ठीक है, ऐसे कुछ शब्द हैं। अब आप देखेंगे कि मछली जो है हमेशा चाहे वो पुरुष जाति का हो या फिर स्त्री जाति का हो, उसका नाम हम हमेशा क्या लेंगे? मछली लेंगे। और मछली हमेशा किस में आएगा? नित्य स्त्रीलिंग में आएगा। तितली है तो उसका तितला नहीं ना होगा। जैसे घोड़ी, अगर एक शब्द मैं यहां पे लिख दूं घोड़ी, तो इसका घोड़ा तो हो जाएगा ना, लेकिन यहां पे तितली है तो तितला नहीं ना होगा, तो इसको हमेशा क्या? तितली ही कहा जाएगा। छिपकली का छिपकला नहीं होगा, गिलहरी का गिलहरा नहीं होता है, मक्खी का मक्खा नहीं होता है। तो आप मेरे बच्चों ये पूछेंगे कि सर अब मछली है तो इसका जो पुलिंग होगा तो उसको क्या कहेंगे? तो देखो यहाँ पे हमेशा उसके पहले हम नर मछली लगा देंगे। क्या लगा देंगे? नर मछली। तो ये किसमें इसका अर्थ निकल जाएगा? पुलिंग में निकल जाएगा। ये मेरी बात आपको समझ में आ गई? अब तितली के पहले भी हम नर लगा देंगे, छिपकली के पहले भी नर लगा देंगे, गिलहरी के पहले भी नर लगा देंगे, और मक्खी के पहले भी नर लगा देंगे। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए
आगे देखते हैं पुलिंग शब्दों की पहचान कुछ कर लेते हैं। पुलिंग शब्दों की पहचान, एक चीज याद रखिएगा मेरे बच्चों, पुलिंग शब्दों की पहचान में कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि पुलिंग शब्दों में कौन सा शब्द है। जैसे विकल्प आपको दे देगा, निम्न चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प पुलिंग है, ठीक है। तो कुछ हमेशा जो पुलिंग में शब्द आते हैं मैं उनको लिखते चल रहा हूं। नंबर एक, पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम। तो देखिए पर्वतों के नाम में हिमालय, हिमालय, फिर क्या हो गया विंध्याचल, विंध्याचल, फिर आपका हो गया सतपुड़ा, ठीक है मेरे बच्चों। फिर तो कुछ ही पर्वतों के नाम हमेशा क्या होते हैं, पुलिंग होते हैं। मैं पी से इसको संकेतित सांकेतिक कर देता हूं, संकेत कर देता हूं। दूसरा, ग्रहों के नाम, ग्रहों के नाम, ग्रहों के नाम हमेशा क्या होते हैं, पुलिंग होते हैं। जैसे रवि, ठीक है, मंगल, फिर आपका शुक्र, फिर आपका अपवाद। अपवाद में एक चीज, पृथ्वी जो ग्रह है इसको स्त्रीलिंग में कहते हैं। किसको, यानी कि मैं इसे किसे किससे प्रदर्शित कर दूं, फीमेल, और इसको मैं कर दे रहा हूं मेल, ठीक है। ये हमेशा पुलिंग में आएंगे और हमेशा ग्रहों के नाम जो है पुलिंग में आएंगे, लेकिन पृथ्वी जो है ये स्त्रीलिंग में आता है, अपवाद रूप में है ये, तो ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं, महीने व दिनों के नाम, महीने व दिनों के नाम, महीने व दिनों के नाम। जैसे आपका हो गया चैत्र, जैसे मैं आपसे कह दूं माघ, जो हमारे भारतीय कल्चर का नाम दिया गया है, सावन, फिर आपसे कह दें सोमवार, सोमवार, फिर हम आपसे कह दें बुधवार, फिर हम आपसे कह दें मंगलवार, फिर इत्यादि, ठीक है मेरे बच्चों। तो महीने व दिनों के नाम हमेशा क्या होते हैं, पुलिंग होते हैं। चौथा, देशों के नाम, देशों के नाम हमेशा किस में होते हैं, पुलिंग में होते हैं। जैसे भारत, मैं आपसे कह दूं पाकिस्तान, पाकिस्तान, फिर मैं आपसे कह दूं चीन, फिर मैं आपसे कह दूं जापान, फिर मैं आपसे कह दूं इंग्लैंड, ठीक है, इत्यादि। तो ये देशों का नाम हो गया। चलिए पांचवा देखते हैं, सागरों का नाम, सागरों का नाम, सागरों के नाम में जब आएंगे मेरे बच्चों, तो सागरों के नाम में आ जाइए तो हिंद महासागर, हिंद महासागर, ठीक है। अगला एक नाम आपका क्या आ जाएगा, हिंद महासागर, अरब सागर, अरब सागर, फिर एक नाम क्या आ जाएगा, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, महासागरों के नाम हो गया। फिर एक चीज देखेंगे कि पेड़ों के नाम, छठवां नंबर आपका है, पेड़ों के नाम हमेशा पुलिंग होते हैं। जैसे बरगद, ठीक है, जैसे आम, जैसे पीपल, और जैसे नीम और नारियल, ठीक है, इत्यादि। चलिए धातुओं के नाम, नंबर सात, धातु समझते हैं ना, धातुओं के नाम, जैसे सोना, चांदी, हीरा, ठीक है। सोना हो गया
अगला तांबा हो गया, फिर पीतल हो गया, और फिर लोहा हो गया, और फिर अपवाद इसमें एक पाया जाता है मेरे बच्चों, अपवाद। अपवाद में चांदी जो है वो कहा जाता है कि स्त्रीलिंग में इसकी गिनती होती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अन्य शब्द भी क्या होते हैं। कुछ अन्य शब्द, कुछ अन्य शब्द, जैसे ये तो मैं एक सीरियल से आपको बता रहा था, एक कुछ अन्य शब्द भी पुलिंग होते हैं। पुलिंग होते हैं, जैसे मैं आपसे कह दूं सीरियल से लिखते जा रहा हूं, आंख ये आपका पुलिंग होगा, नाक ये पुलिंग होगा, कान ये भी पुलिंग होगा, गला ये भी पुलिंग होगा, और हाथ ये भी पुलिंग होगा, और पैर ये भी पुलिंग होगा। ठीक है, आगे आप देखेंगे मोटापा, कुछ शब्द ऐसे आएंगे मोटापा अथवा बुढ़ापा। ठीक है, फिर आगे आप देखेंगे कुछ ऐसे न्यायाधीश, न्यायाधीश ये भी शब्द क्या है, पुलिंग होगा। वकील ये भी शब्द क्या होगा, पुलिंग होगा। डॉक्टर ये भी शब्द क्या होगा, पुलिंग होगा। कमरा, फिर मैं आपसे कह दूं हाल, फिर मैं आपसे कह दूं पुस्तकालय, पुस्तकालय, फिर मैं आपसे कह दूं कार्यालय। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे मंदिर हो गया, ये भी क्या है, पुलिंग शब्द है। एक चीज और, वर्णमाला में अ आ ए ओ और ओ ये भी किस में आएगा, पुलिंग में आएगा। पुलिंग मतलब समझ रहा है ना, किस में आएगा, पुलिंग में आएगा, किस में, पुलिंग में, मेल में आएगा। ठीक, एक चीज और आप ध्यान रखेंगे कि पुलिंग में आने वाले शब्द कुछ जैसे अनाज के नाम पुलिंग होते हैं, अनाज में, अनाज, अनाज समझते हैं ना, तो अनाज में देखेंगे मक्का, ठीक है मेरे बच्चों, ज्वार, फिर आप देखेंगे खेसारी, ठीक है, मूंग। लेकिन अपवाद में देखिए, मैं यहां पे अपवाद लिख दे, अपवाद, अपवाद मतलब समझते हैं कुछ ऐसे अनाज हैं जिनका स्त्रीलिंग में नाम होता है, जैसे, अरे सॉरी, सारे अनाज के नाम जो हैं, सॉरी पुलिंग में आते हैं, ये अपवाद में हैं, यानी मक्का, ज्वार, खेसारी, मूंग, ये सब क्या हैं, अपवाद में हैं, ये हमेशा किस में आएंगे, फीमेल में आएंगे, स्त्रीलिंग में आएंगे। वृक्षों के नाम, वृक्षों के नाम, देखिए वृक्षों के नाम हमेशा क्या होते हैं, पुलिंग होते हैं। ठीक है, लेकिन अपवाद, अपवाद में कौन ऐसे वृक्ष हैं जिनको स्त्रीलिंग में जाना जाता है, तो मेरे बच्चों याद रखिएगा, लीची और नाशपाती, नाशपाती ये दो जो शब्द हैं ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसको याद रखेंगे कि यह सब क्या है, स्त्रीलिंग में है, फीमेल में है। ठीक है, और सारे वृक्षों के नाम किस में है, पुलिंग में होते हैं। एक द्रव पदार्थ में आ जाइए, द्रव पदार्थ, द्रव पदार्थ समझते हैं ना, लिक्विड चीजों में आ जाइए, तो पानी, दूध, शरबत, तेल। ठीक, पानी, जैसे मैं आपसे कह दूं पानी, मैं आपसे कह दूं दूध, मैं आपसे कह दूं शरबत, मैं आपसे कह दूं तेल, तो ये सब किस में आएंगे, पुलिंग में आएंगे। अब मैं यही नीचे लिख दे रहा हूं अपवाद, देखिए अपवाद में जैसे स्याही, स्याही आपकी स्त्रीलिंग में आ जाएगी मेरे बच्चों, चाय, ठीक है, चाय पी रहा था, समझ रहे हैं, लस्सी, लस्सी ये किस में आ जाएगा, स्त्रीलिंग में, और शराब, शराब किस में आ जाएगा, स्त्रीलिंग में, ये क्या हो जाएगा आपका, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आपको आ गई, चलिए
आगे मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये तो पुल्लिंग की पहचान आपने कर लिया, अब आ जाएगा स्त्रीलिंग की पहचान। स्त्रीलिंग की पहचान, चलिए पहचान देखते हैं। झीलों के नाम, जैसे नंबर एक झीलों के नाम, झीलों के नाम हमेशा क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे, ठीक है, क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। और एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कह दूं गंगा, मैं आपसे कह दूं यमुना, मैं आपसे कह दूं कावेरी, फिर मैं आपसे कह दूं अन्य जितनी भी नदियां इत्यादि समझ लीजिए। दूसरा चीज कि भाषाओं तथा लिपियों का नाम, भाषाओं याद रख लीजिएगा मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, भाषाओं तथा लिपियों, लिपियों का नाम, भाषाओं तथा लिपियों का नाम हमेशा क्या होता है, स्त्रीलिंग में होता है। जैसे मैं आपसे कह दूं हिंदी, ठीक है, मैं आपसे कह दूं रूसी, रूसी, मैं आपसे कह दूं चीनी, फिर एक शब्द आता है जापानी, फिर आता है स्पेनिश, स्पेनिश स्पेन में जो बोली जाती है भाषा, अंग्रेजी, ये सब क्या है, अन्य भी बहुत सारी भाषाएं हैं, जैसे तेलुगु हो गया, अवधि हो गया, मलयालम हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। तीसरा चीज मैं आपको बता दूं, बर्तनों के नाम, बर्तनों के नाम, बर्तनों के नाम मेरे बच्चों हमेशा क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। जैसे मैं आपसे कह दूं थाली, मैं आपसे कह दूं चम्मच, मैं आपसे कह दूं कछली, ठीक है, मैं आपसे कह दूं कड़ाही, कड़ाही, ठीक है, कड़ाही, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग में है। अगला चीज शरीर के कुछ अंगों के नाम, शरीर के कुछ अंगों के नाम, कुछ अंगों के नाम, शरीर के कुछ अंगों के नाम, बाकी अंगों के नाम पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है, जैसे पलक, ठीक है, छाती, पलक के बाद छाती, फिर कमर, कमर भी क्या होता है, स्त्रीलिंग में आता है, जीभ, ठीक है, फिर आपका उंगली, उंगली, ठीक है, ये सब किस में आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा। एक चीज और याद रखेंगे आप कि इस पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का कुछ नियम होता है। नंबर एक, जैसे अ को आ में बदल के, अ को आ में बदल कर हम पुल्लिंग बना लेते हैं, स्त्रीलिंग बना लेते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं छात्र, तो क्या हो जाएगा, छात्रा, ठीक है, अ को आ में बदल देंगे, सुत तो सुता हो जाएगा, अध्यक्ष अध्यक्षा हो जाएगा, महोदय महोदया हो जाएगा, शिष्य शिष्या हो जाएगा, भवदीय भवदिया हो जाएगा, जी पहला रूल। दूसरा, अ को ई में बदल के, अ को बड़ी में बदल के, जैसे मैं एक एक एग्जाम्पल केवल दे रहा हूं, बाकी उदाहरण मैं बताते जा रहा हूं। जैसे मैं कह दूं पुत्र, तो देखो पुत्र, त्र में क्या ध्वनि छिपा है, अ, ठीक है, तो अ को क्या बदल देना है, ई में बदल देना है, बड़ी में, तो पुत्री, यहां पे क्या आ गया, बड़ी आ गया, ठीक है। हिरण का हिरणी हो जाएगा, देव का देवड़ी, सॉरी सॉरी देवी हो जाएगा, ब्राह्मण का ब्राह्मणी हो जाएगा। तीसरा रूल आपको कहता है आ को इया में बदल दीजिए, आ को इया में बदल दीजिए। एक एग्जाम्पल, चूहा, आ, आ इसमें आ रहा ना हा में, तो इसी को किस में बदल देना है, इया में, तो चूहा इया लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, चूहिया हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया, इया आ गया, इया में बदल देंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसी प्रकार के एक शब्द है बूढ़ा, तो क्या हो जाएगा, बताइए कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्या हो जाएगा, बुढ़िया हो जाएगा, इतनी बात समझ में आ गई। चिड़िया का चिड़िया हो जाएगा, बंदर का बंदरिया हो जाएगा। चौथा नंबर रूल, फिर एक शब्द आता है कि शब्द के अंत में, अब अ में नहीं, शब्द के अंत में हम क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे, ठीक है। एक मैं देता हूं, जैसे
पुजारी। तो देखिए पुजारी में इन लगा देंगे तो पुजारिन क्या हो जाएगा, पुजारिन। ऐसे धोबी का धोबिन, इन लग गया ना, ग्वाला का ग्वालिन। चलिए पांचवा रूल देखते हैं, शब्द के अंत में, शब्द के अंत में हम क्या लगा देते हैं, आइन लगा देते हैं, आइन। ठीक है, आइन लगा देंगे, ये छोटी रहेगा, आइन लगा देंगे। जैसे मैं एक शब्द दे दूं ठाकुर, तो आइन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ठ कू रा क्या हो जाएगा, इन, क्या हो जाएगा, ठाकुराइन। आइन लग गया ना, ठाकुराइन, तो इसमें प्रत्यय क्या हो गया, आइन। समझ में आ गई बात। छठवां नंबर रूल है, अक के साथ, अक के, अक को हम क्या बदल देते हैं, ईका में बदल देते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आपको कह दूं गायक, देखो गायक इसमें ध्वनि छिपा है अक का, प्रत्यय क्या छिपा है, अक छिपा है। ठीक है, तो इसी अक को किसमें बदल देना, ईका में, तो गा ई का क्या हो जाएगा, गायिका हो जाएगा। ठीक है, चलिए सातवां नंबर रूल देखते हैं, शब्द के अंत में, शब्द के अंत में नी जोड़ देते हैं, नी को जोड़ देते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं शेर, ठीक है, तो यहां पे शेर कोई भी शब्द आए तो हम अंत में नी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, शेरनी हो जाएगा। ठीक है, जाट का जाटनी हो जाएगा, चोर का चोरनी हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं। आठवां नंबर रूल मेरे बच्चों ये कहता है, चलिए आठवां नंबर रूल कहता है कि शब्द के अंत में, शब्द के अंत में आनी जोड़ के, आनी जोड़ के, जैसे देवर तो क्या हो जाएगा, देव रानी हो जाएगा, आनी आ गया ना इसमें, प्रत्यय आनी आ जाएगा। ठीक, नौवां रूल ये कहता है मान को, मान को किसमें बदल देंगे, श्रीमती में बदल देंगे। अब देखिए जैसे मैं आपको कह दूं श्रीमान तो क्या हो जाएगा, श्रीमती हो जाएगा। ठीक है, शक्तिमान को शक्तिमती में बदल देंगे, इसी प्रकार से बुद्धिमान को बुद्धिमती में बदल देंगे, आयुष्मान को आयुष्मती में बदल देंगे। दसवां रूल मेरे बच्चों ये बोलता है कि वान को वती में करके, वती में बदल देंगे, जैसे धैर्यवान, मैं आपसे लिख दूं धैर्यवान, तो धैर्यवान को क्या करेंगे, धैर्यवती में बदल देंगे। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं, गुणवान, यहां पे मैं लिख दूं गुणवान, तो इसका क्या हो जाएगा, गुणवती हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं, अच्छे से समझते चलिए। ज्ञानवान का ज्ञानवती हो जाएगा। 11 नंबर रूल कहता है कि बड़ी को हम इनी में बदल देते हैं, बड़ी को इनी में बदल देते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं तपस्वी, तपस्वी, देखो यहां पे बड़ी है ना, ई में क्या है, बड़ी लगा है ना यहां पे, तपस्वी अंत का ही शब्द लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तपस्विनी हो जाएगा, तपस्विनी, तपस्विनी। अब इसमें इनी आ गया शब्द। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए 12 नंबर और अंतिम रूल ये कहता है कि ता के स्थान पे त्री कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे मैं आपसे शब्द कह दूं कर्ता, तो कत्री हो जाएगा। ठीक है, मैं आपसे कह दूं अभिनेता, अभिनेता, देखो ता आया ना, तो इसको क्या हो जाएगा, अभिनेत्री हो जाएगा। इसी प्रकार से दाता का दात्री और विधाता का विधात्री। तो मेरे बच्चों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, और अगर आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि लिंक टॉपिक से वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद, थैंक यू।